हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू हब। यहाँ पर मिलेंगे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस। तो मैं आपके सामने आज फिर प्रेजेंट हुआ हूँ एक नई वैकेंसी के साथ। यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति ने कुछ पोस्ट के लिए, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर की हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस के लिए कुछ वैकेंसी रिलीज की हैं। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई है, जिसमें से PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है। चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर इसके 8 रीजनल ऑफिस हैं, जैसे भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, शिलोंग। बहुत ही अच्छी सिटी में इसके ऑफिस हैं। और इसके अलावा इसके सीट 630 नवोदय विद्यालय हैं, जहाँ पर वो सारे फंक्शनेबल हैं और जहाँ पर ये वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। तो आप देख सकते हैं, इसमें मैं नीचे जाता हूँ और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रिंसिपल के लिए अनरिजर्व है 12, OBC 7, SC 4, ST 2, टोटल 25 वैकेंसीज़ हैं। इसी तरह से असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो वैकेंसीज़ है वो हैं टोटल 3, असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए जो हैं वो टोटल 2, और दोनों ही वो अनरिजर्व हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं टोटल 3। और PGT के लिए आप देख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स। तो टोटल PGT की जो वैकेंसी हैं वो 218 टोटल हैं, जिसमें से 106 अनरिजर्व हैं। और ये इसके बाद में डिस्कस करते हैं कि इनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले मैं पोस्ट कोड फर्स्ट की बात करता हूँ, जो प्रिंसिपल के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं, प्रिंसिपल के लिए पे स्केल यहाँ पर आपको शो किया हुआ है। इसके अलावा इसमें जो अपर एज लिमिट है वो रहेगी 50 ईयर्स। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट 50% मार्क्स में एग्रीगेट होने चाहिए। इसके अलावा इसके पास BEd और इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस में डीप मतलब 4 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें से अलग अलग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके अलावा कुछ डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हैं, वो डिज़ायर्ड है, वो कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी के लिए आपका ऊपर दिया हुआ है। इसके बाद सेकेंड पोस्ट है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स और इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस विद 8 ईयर सर्विस इन द लेवल इन द पे मैट्रिक्स लेवल 7 है, पसेसिंग एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल मैटर। तो आपने पहले कहीं भी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मैटर्स पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे असिस्टेंट की जो अपर एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स और मिनिमम है 18 ईयर्स। इसका जो पे लेवल रहेगा वो लेवल 6 रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है सिर्फ डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करता हूँ। तो कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल 4 पे मैट्रिक्स की जॉब है। इसकी जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है और जो मिनिमम है वो 18 ईयर्स है। इसमें भी आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए और स्किल आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग की और डाटा एंट्री की 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ होना कंपलसरी है। अब मैं बात करता हूँ PGT की, जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी रिलीज हुई है। तो इसकी जो पे स्केल है वो रहेगा लेवल 8। इसके अलावा अपर एज लिमिट 40 ईयर्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी, इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स में एग्रीगेट होना चाहिए। यहाँ पर सारी पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जैसे हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें सब में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और बाकी आप अपना नोटिफिकेशन चेक करें, नोटिफिकेशन में की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक अलग पोस्ट है IT, वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर IT। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने BE BTech कंप्यूटर साइंस और IT से किया है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। MSc कंप्यूटर साइंस, BSc कंप्यूटर साइंस, BCA और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा, मतलब आपके पास, आप एक बार नोटिफिकेशन चेक करें, आपको लगता है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। नवोदय विद्यालय बहुत अच्छे स्कूल्स हैं हमारे इंडिया में। तो इसकी जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो रहेगी BEd डिग्री तो लगभग टीचिंग में कंपलसरी ही होती है। इसके बाद मैं एज रिलैक्सेशन की बात करता हूँ। तो SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स, अदर OBC के लिए है 3 ईयर्स, वुमेन्स के लिए 10 ईयर्स, जो NBC एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए नो एज बार, उनके लिए कोई भी एज का क्राइटेरिया है ही नहीं। इसके अलावा बाकी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो आप नोटिफिकेशन में चेक करें। इसके बाद मैं बात करता हूँ मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम के बाद किसी पोस्ट पर इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू और एग्ज़ाम दोनों के मार्क्स काउंट होंगे। और किसी पोस्ट पर इंटरव्यू नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो
इसमें आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम के मार्क्स हैं वो बहुत मैटर करेंगे। इसके बाद में इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम ऑफ सिटी, यहाँ पर सेंटर आने वाले हैं काफ़ी, मतलब 2142 सिटी में आपके इसमें सेंटर आने वाले हैं। जिसमें इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो इसमें जो प्रिंसिपल के लिए उसमें उसका जो टेस्ट का कंपोनेंट्स रहेंगे वो रहेंगे रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज टेस्ट मतलब जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, इसके अलावा जो एकेडमिक्स हैं वो, और सेकंड जो कंप्यूटर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ की एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्ट है उसमें भी रीजनिंग एबिलिटी, जीए, लैंग्वेज टेस्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीएफआर, एसआर, बाकी आप सारा नोटिफिकेशन में चेक करें। और इसी तरह असिस्टेंट पोस्ट के लिए रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज टेस्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्सेट्रा, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है वो है रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज टेस्ट एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट। और अब पीजीटी की बात करते हैं, तो पीजीटी में जो कॉमन पेपर रहेगा ऑल पोस्ट के लिए वो रहेगा कि जनरल इंग्लिश हिंदी, उसमें 20+20 क्वेश्चन होंगे, जीए के 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिक एबिलिटी एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन एंड कंसर्न सब्जेक्ट नॉलेज 60। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके 60 क्वेश्चन होंगे, और डिफिकल्टी लेवल जो क्वेश्चन पेपर का होगा वो पीजीटी विल बी द पोस्ट ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का होगा। ये 180 मार्क्स का पेपर होगा और 3 आवर्स इसमें आपको टाइम मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं मैंने एरिया हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वेबसाइट की भी शो किया हुआ है। इसकी वेबसाइट जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ पर आप जाएँ और अप्लाई करें। इसके बाद आप इसमें केवल ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन का इसमें ऑप्शन नहीं है, फीस भी इसमें ऑनलाइन ही जमा होगी। इसके बाद मैं बता दूं आपको जो कि इंपॉर्टेंट डेट है, रजिस्ट्रेशन ओपन होगा 15 जनवरी से, मतलब आज से, और रजिस्ट्रेशन जो क्लोज़ होगा वो 14 फरवरी से होगा। इसकी जो फ़ी डिपॉजिट ओपन रहेगी डेट वो है 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, फी क्लोज़ की भी 15 फरवरी रहेगी। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं टेंटेबली 10 मार्च से, और जो आपकी रिटर्न टेस्ट है टेंटेबली वो है मार्च 2019, और मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम मार्च 2019 में ही हो जाएगा। अब कोई और रीज़न हो तो ये आगे भी शिफ्ट हो सकता है। बाकी आप सारी नॉलेज नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, और आप इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उसको फिल कर सकें। थैंक यू।